टीवी स्टार शरद मल्होत्रा जल्द ही कर सकते हैं शादी। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि इस बात का खुलासा खुद शरद मल्होत्रा ने किया है, वो भी अपने बर्थडे के सेलिब्रेशन के दिन। दरअसल शरद ने जूम के साथ किया सेलिब्रेट अपना बर्थडे, और इस दौरान जूम से एक्सक्लूसिव बात करते हुए किया खुलासा कि जल्द ही वो कर सकते हैं शादी। क्या कुछ कहना था शरद का अपनी शादी को लेकर, आइए आपको दिखाते हैं। मैंने सब कुछ कर चुका हूँ, मतलब स्कूल, कॉलेज, जॉब, 12 साल हो गए हैं, तो अब ऐसा है कि मॉम कह रही है भैया बस अब बहुत हो गया। सो आई थिंक कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अब लाइफ में आके कि थम जाए थोड़ा, मतलब काम में नहीं बट पर्सनल लाइफ में। तो मैं चाहता हूँ इस साल पर्टिकुलरली मैं अपने पर्सनल लाइफ पे थोड़ा ध्यान दूँ, जो मैंने शायद कहीं ना कहीं मैंने ज़्यादा ध्यान अपने प्रोफेशनल लाइफ को दिया है। अब मैं चाहता हूँ थोड़ा थम के थोड़ा कहीं ना कहीं सेटल डाउन हो जाए लाइफ में, बहुत ज़रूरी है भैया, क्योंकि अब वो अलग बात है, मैं आई एम गेटिंग यंगर विद एज, बट आई वॉन्ट टू काइंड ऑफ इन्जॉय दैट फेज ऑफ लाइफ ऑल्सो, आई थिंक हम सब चाहते हैं। सो जी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं शादी कर रहा हूँ, मैं किसी का दिल नहीं तोड़ रहा हूँ यहाँ पे, बट मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं करूँगा तो डेफिनेटली मेरे जो बहुत ही अजीज़ यहाँ पर हैं, जब करूँगा तो आप लोग सबको पता लग जाएगा। इज़ वेरी स्मार्ट, बड़ा स्मार्ट हो। देखिए मैं से इतना कहूँगा, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जिसको समझना है समझ है। बस बस बहुत ज़्यादा दिल, इतना दिल है, मैं क्या बताऊँ यार, फूट फूट के दिल निकलता है मेरा। कितना समय मम्मा को, तो आपने देखिए नहीं, मम्मा को मैं सच बताऊँ, मॉम को अब मैं नहीं टाल सकता हूँ, क्योंकि टालने का समय जा चुका है, अब मैं टालूंगा तो मुझे गोली मार देंगी। तो आई थिंक देखते हैं, उम्मीद है कि ऑन अ सीरियस नोट, कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो उम्मीद है इस साल, नहीं तो अगले साल तक कहीं ना कहीं थमने की इच्छा तो है। सो लेट्स होप। बिग बॉस फेम अर्शी खान ने लगाया प्रोड्यूसर विकास गुप्ता पर इल्जाम कि वो है टीवी इंडस्ट्री के माफिया। जी हाँ, अर्शी ने जूम से एक्सक्लूसिव बात करते हुए बताया कि क्यों है विकास टीवी माफिया। वो है टीवी माफिया और वो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, वो किसी की भी सक्सेस नहीं देख सकते। उनको हमेशा ये लगता है कि जो उनके आगे पीछे घूमेगा, जो उनको मीडिया के सामने ये बोलेगा कि नहीं विकास बहुत अच्छा है, विकास बहुत अच्छा है। पहले सलमान साहब हमेशा बोलते थे शो के अंदर कि क्या इसने तुम्हें काम देने का वादा किया है, तो मैं समझ नहीं पाती थी कि ये कह क्यों रहे हैं ऐसा, काम देने का क्या वादा किया है, बिकॉज़ मैं नहीं जानती थी कि विकास गुप्ता कौन है, प्रोड्यूसर कौन है ये। लेकिन उस शो के अंदर से बाहर आने के बाद मुझे पता चला कि लोगों को काम देने के वादे करता है, फिर नहीं देता है, और अगर कोई इससे लड़ाई करता है तो उसका उस इंडस्ट्री से कट ऑफ करने की कोशिश करता है। तो ही इज़, अगर शिल्पा बोल रही है कि वो टीवी माफिया, तो शिल्पा तो 20 साल से इंडस्ट्री में है, मैं तो अभी आई हूँ।